ये आप देख सकते हो, ये रेलवे लाइन है हरिद्वार में। मैं आपको अभी यहाँ से पहाड़ों के थोड़े बहुत नज़ारे दिखाऊंगा। देखो दिख रही हैं पहाड़। देखो पहाड़। आज बारिश की वजह से साफ मौसम हो रखा है, उसके वजह से आपको दूर के पहाड़ ऋषिकेश के पहाड़ ऋषिकेश के कहाँ आ गए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उधर मनसा देवी है, उधर चंडी देवी है। ये देखो मनसा देवी का मंदिर दिखेगा। ये प्रेम नगर आश्रम था यहाँ पे दिखेगा मनन। ये भी आप देखना, यहाँ बोर्ड आएगा रेलवे स्टेशन के लिए। जोली ग्रांट एयरपोर्ट यहाँ से 13 किलोमीटर रह गया है। देहरादून 54 किलोमीटर और ऋषिकेश 26 किलोमीटर। यहाँ ट्रक के वजह से आपको ऋषिकेश का दिख नहीं पाया। अभी यहाँ से हर की पौड़ी का 5 मिनट का रास्ता रह गया 3.5 किलोमीटर। ये श्री स्वामी नारायण डिवाइडर है, श्री शंकराचार्य चौक है। ये अमारपुर घाट है। देखो श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ धाम, श्री यमुनोत्री धाम। ये देखो ओम आए, ये देखो तो फुल चल रहा है पानी, तो पानी फुलाया हुआ गंगा जी में। यही रोक लेना, फोटो ले लेते हैं। खींचेंगे फोटो तो मैं बना लूंगा वीडियो बना लूंगा। ये फोटो आओगा वीडियो का तो नहीं, अपने फोटो लेने थे ना। लोरा मनसा देवी का मंदिर वो दिखा, ये देख मनसा माता दे वो रहा जय माता मनसा देवी का मंदिर है। यहाँ से उस साइड देखो, गोलू की साइड नजारे पहाड़ के, उस साइड ठंडी है ऊपर ऐसे हो रहे हैं जैसे बर्फ पड़ती हो। साइड चंडी देवी है। अब हर की पौड़ी आने वाली है 3 मिनट में। धीरज का फोन आ गया। धीरज का
वीडियो नहीं बना कट गया ये अभी देखो जो पिछले वीडियो में ऋषिकेश नहीं दिख पाया था कितने किलोमीटर है यहाँ से 23 किलोमीटर है यार ऋषिकेश देहरादून 51 बद्रीनाथ 318 यहाँ से देखो तो देवी माता का मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ से कितने सुंदर सुंदर पहाड़ ये मार्केट है हरिद्वार की। अब हम रेकी पौड़ी की तरफ जा रहे हैं ना हर्षित हर्षित नहाने नहाएंगे बिल्कुल ठंडा पानी होगा हर्षित